इज्जत खराब हो जाएगी। मैं तो दो जगह इज्जत खराब करा के आया हूँ और मुझे जिंदगी भर इन बातों का रहेगा दुख। मैंने अपनी दो जगह इज्जत खराब करा ली, लोगों के सामने अपना जीप का छोरापन बता दिया। एक तो मैं बिलासपुर गया एक सज्जन के यहाँ, उन्होंने तिल की कोई एक टिकिया सी बना रखी थी, तिल की थी और उड़द की दाल थी, उसको उन्होंने तेल में या घी में तल करके रख दिया खाने में, और उसको जाकर के यानी क्या मेरे दिमाग खराब हो गया। वो मैंने जो उनकी टिकिया थी वो दो खा ली, और फिर जब दोनों खा ली तो उन्होंने फिर टिकिया बरसने की कोशिश की, तो फिर मैंने कहा अच्छा दो खा ली। गुरु जी को टिकिया बहुत पसंद है, टिकिया बहुत पसंद है। जब वहां से जिनके यहाँ से मैं ना मिलना चाहता, जब कोई बिलासपुर से आता है तो एक उसके डिब्बे जो आते हैं टीन के, उसमें से वो तिल की टिकिया जरूर भेजते हैं। मुझे ये समझते हैं कि आदमी तिल की टिकियाओं के लिए बड़ा चटोरा है और बड़ा ललायत रहता है। बेटे मेरे हिंदी समझ में इज्जत कमा दी। और एक और मैंने कमा दी इज्जत, मैं गुजरात के दौरे पर गया हुआ था, मोटर में एक दिन लंबा सफर कर रहा था, मुझे सिर में चक्कर आने लगे, तो वहां मोटर के अड्डे पर सड़क पर ये चिल्ला रहे थे, नमक की मूंगफली होती है, खारी सिंह ये क्या चीज क्या बेचता है, ये मूंगफली है नमक की। तो मैंने कहा मैं ले लूं, इससे ये होता रहेगा मेरा मुंह जो वैसा पानी आता है ठीक बना रहेगा। तो मैंने इसको 10 पैसे की बेच रहा था, पुड़िया लंबी लंबी, उससे ले ली एक वहां से खाली, उसमें से मुंह में डालता रहा। और जो मेरे साथ चार पांच आदमी बैठे थे वो उसी प्रांत के थे, गुजरात के थे। फिर अगली दूर कहीं खड़ा हुआ कई मील पर जाकर के, फिर मैंने 10 पैसे दिए और फिर एक वो ले ली वही मूंगफली ले ली, उसमें से फिर एक मूंगफली खाता रहा। तो कोई 30-40 मील का सफर किया होगा और मैंने दो मूंगफली के पैकेट खा लिए, बस बेटे मेरे सारे गुजरा में मेरी ऐसी बेइज्जती और ऐसी बदनामी हुई। जो कोई गुजरात से आता है खारी सिंह लेकर के आता है पैकेट में लेकर के खारी सिंह, जो कोई भी लेके आएगा ना कोई केला लावेगा ना नारंगी लावेगा ना पूरी लावेगा ना कचौड़ी लावेगा, खारी सिंह। और हमारी लड़कियां जो है बस कोई आ गया गुजरात ही आ गया कोई आज तो ये खारी सिंह बट रही है। खारी सिंह बस गुरु जी खारी सिंह अच्छी लगती है। बेटे मेरी इज्जत खराब हो गई। मैंने जो ये बताया था कि मैंने 24 साल जौ की रोटी खा करके और छाछ पी करके रहा था, मेरा जायका कहीं नहीं है, लोगों ने ये समझा कि तो जीव का कितना चटोरा आदमी है, और मेरी इज्जत गुजरात में तो खारी सिंह ने खराब कर दी और मध्य प्रदेश में उस तिल की टिकियों ने खराब कर दी। आप जीप पर काबू रखना, आप हमारे प्रतिनिधि होकर के जा रहे। आप जीप के बारे में कहीं जहां चीजें परसी जा रही हो वहां आप इस बात को देखना कि आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है। जायके दारी चीजों को आपको पसंद है कि ये चीजें पसंद है कि हमने आपको तो नहीं बता सकते, पर इन देव कन्याओं को लड़कियों को हमने पढ़ा दिया था यहां से, बेटी तुम्हें कुछ खाना हो तो फिर यहाँ खा लेना, वहां जाकर के स्थान से रहना जैसे तुम यहाँ रहती हो, कोई मिठाई वगैरह प्रस्ताव जरा सी चीज तो स्वागत के लिए ले लेना, लेकिन ये मत करना कि सारी की सारी तुम मिठाइयां ही खाती रहो, तुम्हें उल्टी होने लगे और टट्टी होने लगे, तो तुम्हें उल्टी टट्टी हो जाएगी तो तुम्हारा तुम बीमार पड़ जाओगी और हमारी बेइज्जती हो जाएगी, ये वहां नहीं रहती होंगी ऐसी रहती होंगी। यहाँ से जीप पर काबू लेके गई थी, आप जीप पर काबू लेकर के जाना क्योंकि आपका जनता के सामने इंटरव्यू होने वाला है, और जनता के सामने अपनी बातचीत पर लगाम रख के जाना। आपस में आप दो आदमी बात करते हो, आपकी दो आदमियों में तीसरा आदमी सुनता रहता है कि ये बानप्रस्ती आपस में क्या बात कर रहे हैं, अरे स्टेज पे एकदम बढ़िया बढ़िया बात कहेंगे और आपस में बात कर रहे हैं। बेटे आपस की तेरी बात है वही असली तेरी बात, असल में तेरी असली बात वही जिसके द्वारा तेरी इज्जत को लोग देखेंगे परखेंगे, जो आपस में तुम क्या बात करते हो, आपस में क्या बात करते हो, तुम्हारे रहने सहने का ढंग। बेटे हम तुमको बराती बना करके नहीं भेज रहे हैं, कहां लोगों के पास आप जाए, बराती बन के मत जाना। बराती किसे कहते हैं, बराती बैठे उसे कहते हैं जो फरमाइशें कोको कोला लाइए, 6 बज गए चाय लाइए, ये कीजिए और हमको माला नहीं पहनाई और हमको ये नहीं दिया, फरमाइशें करते जाते हैं। आपको हम वॉलंटियर बना के भेज रहे हैं, इसीलिए भेज रहे हैं कि जहाँ कहीं भी आप जाएं उन लोगों को जानकारियां नहीं है, आप कंधे से कंधा मिला के काम करना, और एक वॉलंटियरी की तरीके से उनको बताना आपको काम करना नहीं आता है, देखिए हमको आता है हम काम करेंगे यहाँ, हमको तो स्टेज पे व्याख्यान तो शाम को ही देना है दो घंटे देना है, बाकी तो 22 घंटे बचते हैं, 22 घंटे हम क्यों बैठे रहेंगे, हम आपके साथ काम करेंगे और एक स्वयंसेवक की तरीके से काम करेंगे। बेटे ऐसे काम करना, ये आपकी इज्जत, इससे आप करेंगे और ऐसा हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, और मेहनत करेंगे और हम तो बड़े आदमी हैं और हम तो नेता हैं और हम तो व्याख्यान देने गए थे। नहीं बेटे, या तू व्याख्यान देने के लिए जाएगा नेता बनने के लिए जाएगा तो अपनी इज्जत गवा बैठे, और तू वॉलंटियर की तरीके से काम करेगा, साथ साथ काम करेगा, कंधे से कंधा मिला के काम करेगा तो अपनी इज्जत खरीद के। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी